we define aquaculture. It is the production of a fish through farming or rearing in confined water, following prescribed procedure to yield high returns in terms of numbers and weight through definite management practice and control over the stock. मीन्स हम इसे ये कह सकते हैं कि ये हमारे पास एक कंट्रोल प्रोसीजर है जो हम फिश की रेडिंग के लिए या फिश की ब्रीडिंग के लिए हम यूज़ करते हैं. जस्ट लाइक दैट ऑफ अ ब्रीडिंग फॉर्मिंग मीन्स अ फिश प्रोडक्शन इंक्रीज इन नंबर इन कंट्रोल कंडीशंस इन वाटरी इन्वायरमेंट. सो नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट द डेवलपमेंट प्रोसेस. उन्होंने कहा कि जो फर्स्ट अटैम्प्ट थी ना वो फिश को जस्ट लाइक दैट ऑफ अ हॉबी के तौर पर यूज़ करते थे कि फ़िश को उनकी उनका जो फ़िश का कारोबार था या फ़िश की जो भी उनको यूज़ करते थे बेचने के लिए खाने के लिए और अदर यूजेस थे इनके वो इसको एज अ हॉबी यूज़ करते थे. लेटर न्यूट्रिशनल एडवांटेजेस वॉरफेल्ट चेंज लाइफ स्टाइल ऑफ ह्यूमन बींग पॉपुलेशन ग्रोथ नीड फॉर अल्टरनेटिव फूड फॉर मैन. मीन्स स्टार्टिंग में वो इसको एज अ हॉबी यूज़ करते थे बाद में उन्हें पता चला कि फ़िश के यूज़ करने मतलब फ़िश के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इन्हें न्यूट्रिशनल तौर पे वो यूज़ करने लगे. बाद में फ़िश ने उनका पूरा ह्यूमन बींग का लाइफस्टाइल चेंज कर दिया बिकॉज एज अ कलेक्शन ऑफ अ विटामिंस विटामिन ए एंड डी. उसके बाद इसकी पॉपुलेशन ग्रो नीड फॉर अल्टरनेटिव फूड फॉर मैन. रीजंस के द डेवलपमेंट प्रोसेस इसकी डेवलपमेंट के पीछे रीज़न क्या है. सिविलाइजेशन मोस्ट ये अब्यूडेंट रीज़न हम कह सकते हैं जो डेवलपमेंट के लिए है वो है सिविलाइजेशन. सिविलाइजेशन क्या है डिमांड मोर न्यूट्रिशियस फूड कि जैसे जैसे ये ह्यूमन बींग्स की पॉपुलेशन बढ़ती गई उनमें वो सिविलाइज होते गए कि हम फिश को यूज़ करें बिकॉज इट हैव अ अब्यूडेंट फॉर्म ऑफ अ न्यूट्रेंट्स. एग्रीकल्चर डिवेलपमेंट ऑफ अ अलाइड फील्ड रिसोर्स यूटिलाइजेशन हेल्थ कॉन्शियसनेस एंड एम्प्लॉयमेंट एंड अर्निंग. ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से फ़िश की डेवलपमेंट को उन्होंने कहा है कि फ़िश की डेवलपमेंट के पीछे ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से फ़िश की ब्रीडिंग की गई या डिफरेंट प्रोसीजर्स यूज़ किए गए फ़िश की ब्रीडिंग के लिए. नेक्स्ट है एक्वाकल्चर की मेजर क्लासिफिकेशन. फर्स्ट क्लासिफिकेशन है एक्वाकल्चर की बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ हैबिटेट कि किस टाइप का हैबिटेट है उसमें किस तरह का एक्वाकल्चर परफॉर्म होना है. फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर है साल्ट वाटर एक्वाकल्चर है ब्रैकिश वाटर एक्वाकल्चर है वेस्ट वाटर एक्वाकल्चर है. ये बेस्ड होते हैं ऑन द टाइप ऑफ हैबिटेट कि किस टाइप का एक्वाकल्चर है तो हमने उसके लिए किस टाइप का प्रोसीजर यूज़ करना है. अगर वो बेस्ड करता है ऑन द वाटर फ्लो करेक्टरिस्टिक्स वाटर फ्लो में आ जाएगा हमारे पास रनिंग वाटर स्टैंडिंग वाटर. देन बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ कल्चर ऑर्गेनिज्म कि ऑर्गेनिज्म किस टाइप के कल्चर में हम इसको कर सकते हैं ऑर्गेनाइज कर सकते हैं. फिन फिश कल्चर है क्रस्टेशियंस फॉर्मिंग है या मलस्कन फॉर्मिंग है सी वेट फॉर्मिंग है लाइव फीड कल्चर है या अलगल कल्चर है कि कल्चर किस टाइप का है कि किस टाइप के कल्चर में हम किस तरह की टेक्निक यूज़ करेंगे. ये फ़िश के एक्वाकल्चर के लिए जो टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं ना ये उनके लिए कुछ टाइप्स हैं कि इसकी क्लासिफिकेशन एक्वाकल्चर के ऑन द बेस ऑफ किस बेस पे की गई है. अगर वो बेस की गई ऑन द टाइप ऑफ कल्चर मेथड कि हमने अब कौन सा कल्चर मेथड यूज़ किया. एक्सटेंसिव मेथड यूज़ किया है इम्प्रूव्ड एक्सटेंसिव है सेमी एक्सटेंसिव है या है हमारे पास इंटेंसिव सुपर इंटेंसिव कि ये कौन से मेथड है. ये आगे जाके हम फर्दर डिस्कस करेंगे इन मेथड्स के बारे में कि एक्सटेंसिव इम्प्रूव्ड एक्सटेंसिव सेमी इंटेंसिव या सेमी इंटेंसिव इंटेंसिव या सुपर इंटेंसिव ये कल्चर कौन से है. नेक्स्ट बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ कल्चर सिस्टम कि कल्चर का सिस्टम कैसा है वो पॉन्ड कल्चर है टैंक कल्चर है ओपन वाटर कल्चर सिस्टम है रेस वेस कल्चर है केज एंड पिन कल्चर है या रिसर्कुलेशन सिस्टम है. अब ये कुछ ऐसा ये जो एक्वा कल्चर है ये बेस्ड करता है ऑन द पर्पस ऑफ कल्चर कि कल्चर को यूज़ करने का हमारा पर्पस क्या है. इसको यूज़ करने का अगर तो पर्पस है हमारे पास फूड फिश कल्चर और रिक्रिएशन फिश फॉर्म ये मेजर हमारे पास पर्पस होते हैं जिसकी वजह से कल्चरिंग परफॉर्म की जाती है. बायो ट्रीटमेंट और बायोलॉजिकल कंट्रोल ये मेजर नहीं है ये माइनर कुछ हैं पर्पस जिसकी वजह से फ़िश फार्मिंग को एक्वाकल्चर को परफॉर्म किया जाता है.
देन बेस्ड ऑन द रीजन कि रीजन कौन सा है हमारे पास, वार्म वाटर एक्वाकल्चर है या कोल्ड वाटर एक्वाकल्चर है, सब ट्रॉपिकल एक्वाकल्चर है या हीटेड वाटर एक्वाकल्चर है, बेस्ड ऑन द पीपल इन्वॉल्व कि पीपल कौन से इन्वॉल्व हैं, लो लेवल है या मार्जिनल एक्वाकल्चर है, और कॉरपोरेट इंटरप्रेंशियल फार्मिंग है या फिर कौन सी हमारे पास किस तरह की हमने जो फार्मिंग है वो परफॉर्म करनी है। अब जो हमारे पास ये है ना बेस्ड ऑन द पीपल इन्वॉल्व, इनमें हमने देखना है कि पीपल्स का इंटरेक्शन क्या है एक्वाकल्चर में, कि जो लो लेवल पीपल है और मार्जिनल लेवल के एक्वाकल्चर में उनका क्या रोल है, कॉरपोरेट या इंटरप्रीन्योलर फार्मिंग है उनमें उनका क्या रोल है। अब हमने देखना है कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं एक्वाकल्चर को परफॉर्म करने के लिए। इन ऑब्जेक्टिव्स में आ जाएगा हमारे पास सबसे पहला जो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है हमेशा न्यूट्रिशन के बारे में, कि प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन रिच न्यूट्रिटिव प्लेटेबल एंड इजीली डाइजेस्टेबल ह्यूमन फूड है। इसके अलावा ये प्रोवाइड करती है न्यू स्पीशीज एंड स्ट्रेंथनिंग स्टॉक ऑफ एग्जिस्टिंग स्पीशीज फिश एग्जिस्टिंग फिश इन नेचुरल एंड मैन मेड वाटर बॉडीज थ्रू आर्टिफिशियल रिक्वायरमेंट एंड ट्रांसप्लांटेशन। ये हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि किस वजह से हम इसको यूज़ करते हैं या इसके क्या बेनिफिट्स हैं, व्हाई वी यूज इट। देन प्रोडक्शन ऑफ ऑर्नामेंटल फिश होती है, रिसाइकलिंग ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट ऑफ ह्यूमन एंड लाइफ स्टॉक और रीजन इसको सपोर्ट करती है, देन लैंड एंड इक्वेटिक रिसोर्स यूटिलाइजेशन है बिकॉज मैक्सिमम रिसोर्स एलोकेशन टू एक्वाकल्चर एंड इट्स ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन। नेक्स्ट इंक्रीजिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बाय मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिटेबिलिटी, देन क्रिएशन ऑफ अ प्रोडक्शन सरप्लस फॉर एक्सपोर्ट, लैंड एंड एक्वेटिक रिसोर्स यूटिलाइजेशन में ये हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। प्रोवाइडिंग मीन्स ऑफ सब्सटेंस एंड अर्निंग लिवलीहुड एंड प्रॉफिट थ्रू कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल एक्वाकल्चर, कितना हमें इससे प्रॉफिट हो रहा है। इसके अलावा प्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल फिश और प्रोडक्शन ऑफ बैड फिश फॉर कमर्शियल एंड स्पोर्ट फिश, ये हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं जिसकी वजह जो हम बायस बनते हैं किसी भी फील्ड को यूज़ करने के लिए। मतलब अगर हमने एक्वाकल्चर यूज़ करना है तो ये कुछ उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं कि हमने इसको यूज़ क्यों करना है, क्या वजह है जिसको हम ये फिश कल्चरिंग को यूज़ करते हैं। देन अब है इसकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्वाकल्चर, सेमी इंटेंसिव एक्वाकल्चर, इंटेंसिव एक्वाकल्चर। इंटेंसिव एक्वाकल्चर में आ जाएंगे फ्लो थ्रू मेथड और रेसवे और रिसर्कुलेटरी मेथड, देन एक्सटेंसिव एक्वाकल्चर और ट्रेडिशनल एक्वाकल्चर। अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सेमी इंटेंसिव एक्वाकल्चर कौन से होते हैं। ये अडॉप्शन ऑफ मिड लेवल टेक्नोलॉजी है और पार्शियल डिपेंडेंस ऑन नेचुरल प्रोडक्टिविटी, कि इसकी ज़्यादा डिपेंडेंस नहीं होती नेचुरल प्रोडक्टिविटी पे, इसकी पार्शियल होती है। फर्टिलाइजेशन सप्लीमेंट्री फीडिंग विद स्टॉक मैनिपुलेशन और मीडियम लेवल इनपुट एंड मीडियम रेट ऑफ प्रोडक्शन, कि ये ज़्यादा अगर बेनिफिट कहें ना तो ये इतनी नहीं है बिकॉज इट्स प्रोवाइड अ मीडियम रेट ऑफ प्रोडक्शन। ये कुछ हम यूज़ करते हैं मेथड। इंटेंसिव अगर हम इसको अडॉप्ट करते हैं तो फुल कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ कल्चर टेक्निक, इसमें फुल कॉम्प्लीमेंट हम करते हैं कल्चर टेक्निक्स को, इंक्लूडिंग साइंटिफिक पॉन्ड डिज़ाइन, साइंटिफिक पॉन्ड्स को डिज़ाइन करते हैं साइंटिफिक तौर पे, फर्टिलाइजेशन सप्लीमेंट फीडिंग और ओनली फीडिंग विदाउट फर्टिलाइजेशन, मींस फर्टिलाइज़र का यूज़ नहीं करते हम फीडिंग में, और ओनली फीडिंग विदाउट फर्टिलाइजेशन। फुल मेजर ऑफ स्टॉक, इसमें स्टॉक कितनी है वो फुल मेजर करते हैं, डिजीज़ कंट्रोल होती हैं, साइंटिफिक हार्वेस्टिंग होती है और हाई लेवल इनपुट्स एंड हाई रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑब्टेन होती है। मींस मोस्ट यूजफुल जो मेथड हम यूज़ करते हैं ना, ज़्यादा जो बेनिफिट है वो है इंटेंसिव मेथड। अब हमने देखना है एक्सटेंसिव मेथड क्या, अगर इसको अडॉप्ट करते हैं तो क्या इसके बेनिफिट्स हैं। मोस्टली जो एक्सटेंसिव मेथड है ये ट्रेडिशनल टेक्निक है ऑफ एक्वाकल्चर, ये डिपेंड करती है नेचुरल प्रोडक्टिविटी पे एंड लिटिल कंट्रोल ओवर द स्टॉक्स, कि इसमें स्टॉक्स के ऊपर कंट्रोल बहुत कम होता है। सेमी इंटेंसिव इंटेंसिव और एक्सटेंसिव में मेजर फर्क देख लें, सेमी इंटेंसिव ऑन नेचुरल कंडीशन नेचुरल प्रोडक्टिविटी, बट एक्सटेंसिव डिपेंडेंस
पार्शियल डिपेंड, जो सेमी इंटेंसिव है उसमें पार्शियल डिपेंडेंस होती है ऑन नेचुरल प्रोडक्टिविटी पे, लेकिन एक्सटेंसिव में डिपेंडेंस ऑन नेचुरल प्रोडक्टिविटी एंड लिटिल कंट्रोल ओवर द स्टॉक। और अगर तीनों में से कोई बेस्ट